एक साल बहुत अच्छा शानदार बीता है, बेमिसाल बीता है, इसे एक साल के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे वंदे भारत हो जाए। हैप्पी वंदे भारत। भारतीय रेल का गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस आज इसके एक साल पूरे हुए हैं, एक साल गौरवशाली वर्ष बोला जाएगा। ICR चेन्नई में निर्मित 18 महीने में ये घड़ी को बनाया गया था और पहले वंदे भारत का उद्घाटन 16 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था नई दिल्ली से। उसके बाद से ये घड़ी लगातार रेल यात्रियों की सेवा में लगी हुई है, हफ्ते में 5 दिन चलती है, कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब घड़ी ना चली हुई। कोहरे के अलावा बाकी सारे समय इसकी जो समय पालनता है 100% है, घड़ी बिल्कुल समय से चलती है। यात्री इस घड़ी के रनिंग के हिसाब से अपनी घड़ी भी मिला सकते हैं। यात्री गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार इंटीरियर्स बनाए गए हैं। केटरिंग इसकी बहुत अच्छी है जिससे यात्री लंबा सफ़र करने के बाद भी थकावट महसूस नहीं करते हैं और अच्छा खाने का आनंद लेते हैं। इसके अलावा गाड़ी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से अच्छे से डिजाइंड है, हर प्रकार से इसमें कोई किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं माहौल नहीं है। गाड़ी का जो स्टार्टिंग स्टॉपिंग है बहुत ही कंफर्टेबल होती है, घड़ी का एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होने से इसका जो रनिंग टाइम कम समय में ये दूरी पैदा करती है, दूरी पूरी करती है। यहाँ तक कि जो राजधानी का रनिंग टाइम है उससे भी ज़्यादा इसकी इसका रनिंग टाइम कम है। इसकी जो एवरेज स्पीड है इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में वो लगभग 104 किलोमीटर पर घंटे की आती है। तो ऑल इन ऑल भारतीय रेल के द्वारा निर्मित ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है अपने नाम जैसी ही है, भारत का गौरव है और भारतीयों के लिए वंदनीय घड़ी है। हम सभी आज बहुत खुश हैं आप सबकी प्रेजेंस में, जो हमारे यात्री हैं उनकी प्रेजेंस में और जो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी आए हुए हैं। एक यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं प्रयागराज के जो कि 50 बार इस घड़ी में सफ़र कर चुके हैं, वो भी उनसे भी मुलाकात हुई यहाँ पे। तो सभी से मिल के बहुत अच्छा लगा, सभी ने वंदे भारत के बारे में बड़ा उत्साह दिखाया है और हम सब उनकी खुशी के भागीदार हैं, हम सब खुशी में शामिल हैं। बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे भारत को शुभकामनाएं, भारतीय रेल को। बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत टाइम से ट्रेन वहाँ से चली थी और यहाँ पे टाइम से पहुँची थी। खाना भी बहुत अच्छा था और अगर हाइजीन देखें, क्लीननेस देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई एम हैप्पी।